ओ नहीं रो पीरो के बच्चे, मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से छोड़ दे वरना तुझे बाहर निकल के बहुत ओ मारूंगा। अच्छा विलन के बच्चे, मैंने तुझे इतनी मुश्किलों में रेस्ट करा, अभी तू यहाँ से कभी नहीं छूटेगा। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और भाई आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई रो फिरो वाइस टाउन। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं गाइस आज हम वाइस टाउन के डेंजर विलन को अरेस्ट करने वाले हैं, और गाइस उसको अरेस्ट करके वाइस टाउन की जेल में भी बंद करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। एंड गाइस आप लोग चैनल पर न्यू हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज हम उस विलन को अरेस्ट करके लाएंगे, और गाइस आज हम वाइस टाउन की जेल में बंद कर देंगे। गाइस आज हम उसको इसी जेल में लेकर के आएंगे, और गाइस इधर उसको अरेस्ट कर लेंगे। तो अभी गाइस फटाफट से ना मैं टिप्सन बॉस के पास चलता हूँ, क्योंकि गाइस वो टिप्सन ही मुझे बता पाएगा आखिर मैं उसको अरेस्ट कैसे ही कर सकता हूँ। तो गाइस अभी जल्दी से ना मैं टिप्सन के पास चलता हूँ यार, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई बाइक एंड ना गाइस कोई कार मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। सबसे पहले तो गाइस, ओ भाई साहब, गाइस मुझे तो एक पुलिस की कार भी मिल चुकी है, तो इस कार को लेकर सीधे टिप्सन बॉस के पास चलता हूँ। अच्छा अच्छा रो फिर के बच्चे, ये तेरी कार थोड़ी है, टिप्सन बॉस ने मुझे भेजा है, चल जल्दी से कार को स्टार्ट कर और मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे अरे टिप्सन की कॉल आ रही थी। अरे हाँ टिप्सन बॉस, मैंने से बोल दिया, अभी मैं इसको जल्दी से तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ टिप्सन बॉस, रो फिर तो आ चुका है और अभी हम विलन को अरेस्ट करने जा रहे हैं। ओ मतलब कि गाइस टिप्सन बॉस ने इस ऑफिसर को मेरे साथ भेजेगा, मतलब कि गाइस आज हम विलन को पुलिस के साथ अरेस्ट करके लाएंगे। अरे अरे पुलिस वाले भाई साहब, अपनी कार को तो उठा कर लिया। अरे रो फिर जल्दी से कार को उठा के ला, मैं टिप्सन के पास जा रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब, गाइस मतलब कि आज तो रो फिर को पुलिस की कार भी चलाने के लिए मिल चुकी है। तो अभी गाइस फटाफट से इस कार को उठाता हूँ एंड गाइस इस कार को लेकर चलता हूँ टिप्सन बॉस के पास। गाइस अभी हम उस विलन को भी अरेस्ट करके लाएंगे, और गाइस आज हम उस विलन को इस कार में अरेस्ट करके लाएंगे। तो गाइस फटाफट से आ चुका हूं मैं टिप्सन बॉस के पास। ऑलरेडी गाइस अपनी कार को, ओ भाई ओ नहीं गाइस यार तो मैं गिरी चुका हूं। अभी तो गाइस फटाफट से उठता हूं, और पता नहीं गाइस वो पुलिस ऑफिसर कहां पर ही भाग गया। तो अभी गाइस सीधे टिप्सन बॉस के पास ही चलता हूं। ओ भाई साहब, गाइस यार मैंने टिप्सन का घर पूरा ही तोड़ दिया, और पता नहीं कुर्सी भी कहां कहां पर पड़ी है। और अभी जल्दी से बता मुझे वो विलन कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आज मैं उसको अरेस्ट करके लाऊंगा, और टिप्सन बॉस उसको तो मैं अपनी वाइस टाउन की जेल में बंदी कर दूंगा। इसलिए तो मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है, वो विलन बहुत ज्यादा बन के दिखा रहा है ना, आज उसको भी अरेस्ट करके जेल में बंद कर दे रो फिरो। इसलिए मैंने एक ऑफिसर को पहले से बुला रखा है, उसको मैं तेरे साथ भेजूंगा, जल्दी से जा रो फिरो, कार भी तेरी खड़ी है। अरे नहीं नहीं टिप्सन बॉस, मैं किसी पुलिस ऑफिसर को लेकर नहीं जाऊंगा, उस विलन को अरेस्ट करने के लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। टिप्सन बॉस आज मैं उसको अकेले जाकर अरेस्ट करके लाऊंगा। तो अभी गाइस फटाफट से अपनी कार को लेता हूँ, और गाइस चलते वाइस टाउन के डेंजर विलन के पास, क्योंकि आज हम उसको अरेस्ट करके लाएंगे। और भाई दो पुलिस ऑफिसर भी गाइस इधर ही घूम रहे हैं, तो हम किसी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। गाइस आज हम उस वाइस टाउन के डेंजरस विलन को अकेले अरेस्ट करके लाएंगे। और भाई टिप्सन बॉस तो गाइस खामे खा के डरता रहता है। अभी गाइस फटाफट से मैं चलता हूँ जहाँ पर वो डेंजरस विलन रहता है, और गाइस आज तो उसकी पैंट बजा दूंगा, मतलब कि गाइस आज तो मैं उसको हथकड़ी डाल करना अरेस्ट ही कर लाऊंगा, और गाइस आज हम उसको जेल में बंद कर देंगे। ओ भाई गाइस इस कार ने तो काफी तगड़ा जंप ही दिखा दिया, मतलब कि गाइस अपनी ये पुलिस कार तो लूट कर चल रही है, लेकिन एक सेकेंड गाइस वो सबसे ज्यादा विलन इस मिलिट्री बेस में रहता है, बट गाइस वो आज इधर भी नहीं है। अभी गाइस मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस वो विलन मुझसे छुपता हुआ कहाँ पर ही फिर रहा होगा। अभी तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग जंप लगाता हूँ एंड गाइस फटाफट से मैं इधर से कहीं दूर चलता हूँ, क्योंकि आज गाइस पता नहीं वो कहाँ पर ही होगा, और आज तो मुझे उसको गाइस ढूंढ करना, उसको मार मार कर जेल में बंदी करना है, क्योंकि गाइस उसके ना इतने ज्यादा गुंडे भी रहते हैं। हाँ गाइस आज मैं उन सभी को एक साथ अरेस्ट करूंगा और जेल में बंद कर दूंगा। गाइस अभी पता नहीं मुझे वो विलन कहाँ पर ही मिलने वाला है। गाइस आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, तभी गाइस वो मुझे विलन मिल पाएगा। तो ऑलरेडी गाइस अभी तो मैं इधर आ चुका हूँ। ओ भाई गाइस यार पता नहीं मेरी कार को क्या ही हो रहा है, और गाइस अभी मैं फटाफट से इधर से निकल ही जाता हूँ यार। ओ भाई ये पुलिस कहाँ से आ गई गाइस मेरे पीछे, मतलब ओ भाई पुलिस ने तो गाइस मेरी कार की वाट लगा दी, लेकिन गाइस मुझे वो विलन का बच्चा मिल चुका है। ऑलरेडी गाइस अभी ना मैं इसको अरेस्ट करूंगा और लेकर जाऊंगा वाइस टाउन की जेल में, लेकिन गाइस यार तो पुलिस भी बच कर भाग रही है, लेकिन गाइस ये हमारा हाथ उसे कभी नहीं बच सकता, क्योंकि गाइस इसे सिर्फ वाइस टाउन की पुलिस डरती है, अपना रो फिरो नहीं डरता। ओ भाई लेकिन ये मिलिट्री वाला मुझे क्यों मारे जा रहा है? ओ भाई साहब अभी तो इसकी वाट लग गई, इसको तो गाइस विलन ने मार डाला, और गाइस ये खड़ी अपनी जीप, इस जीप में डालकर इसको विलन को लेकर जाऊंगा। लेकिन गाइस अभी तो मुझे इसकी थोड़ी बैंड बजानी पड़ेगी, तभी गाइस ये अपने आप को मेरे हवाले करेगा, विलन के बच्चे अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे इधर मार मार के जेल
में लेकर जाऊंगा। ओ रोपरो के बच्चे, मेरे इलाके में आके मुझे अरेस्ट करेगा ये ले। ओ भाई साहब, गाइस यार ये विलन का बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, मतलब कि गाइस इसने तो अपने घुंडे भी बुला रखे। ओ पुलिस ऑफिसर, ओ भाई गाइस यार इतने ज्यादा डरते हैं ना भाई, मुझे ठोके भाग गया। और भाई साहब भाई वो उसने तो गाइस वार्ड लगा रखे है, मतलब कि गाइस अपने वाइस टाउन की पुलिस भी रोफिरो का साथ नहीं देती। और गाइस अभी तो इस विलन ने बहुत ब्लास्ट कर लिया, अभी तो गाइस मैं इसको अरेस्ट। ओ भाई गाइस पुलिस की कार भी उड़ा रखी है इस विलन ने। विलन के बच्चे मैं बोल रहा हूँ अपने आप को मेरे हवाले कर दे। और रोफिरो के बच्चे तू मुझे भी नहीं जानता, मारो इसको मारो। ओ भाई साहब यार गाइस इसने इतने ज्यादा घुंडे बुला रखे ना कि भाई ये तो मेरी बैंड बजाए जा रहे है। ओ भाई साहब गाइस यार इसने तो मेरी बैंड बजा दी, और अभी तो गाइस मेरे से नहीं बचेगा, बहुत हुआ इसके घुंडों को भी। और गाइस इस डेंजर विलन को भी मैं वाइस टाउन की जेल में बंद करूंगा, तो फटाफट से गाइस अभी तो मैं इसकी बैंड बजाता हूँ। एंड गाइस आप देख ही सकते हो इसकी हेल्थ ना, मैंने इसको इतना ज्यादा मारा। तो गाइस अभी ना फाइनली मैं इसको लेकर आ चुका हूँ जेल पर, मतलब कि गाइस जहां पर अपनी वाइस टाउन की जेल है ना गाइस, मैं इधर इसको लेकर आ चुका हूँ। और जल्दी से गाइस इसको अपने पुलिस स्टेशन पर लेकर चलता हूँ, वहां पर गाइस मैं इसको मार मार कर अरेस्ट कर दूंगा। तो फटाफट से आ जाओ मेरे पीछे पीछे। गाइस इनको तो मैंने अपने पीछे दौड़ा रखा है, और गाइस अभी ये वाइस टाउन की जेल पर आएंगे ना तभी गाइस मैं इनको अरेस्ट कर लूंगा। तो भाई देख रहे हो अब से भी लोग इतनी तेज भागा रहे ना, तो फटाफट से गाइस अभी मैं सीधे अपनी जेल में चलता हूँ, वहां पर तो गाइस मैं इनकी बैंड बजा दूंगा। तो गाइस ये मेरे पीछे पीछे भाग कर यहां तक जेल तक तो आ चुके हैं, और आज तो इस विलन को मैं अरेस्ट ही करूंगा। तो गाइस फाइनली मैं यहां पर आ चुका हूं, और विलन के बच्चे जल्दी से आ जाते हूं। ओ भाई गाइस अभी तो मैं इस विलन को अरेस्ट ही कर लूंगा। रोपिरो के बच्चे तू मुझे अरेस्ट कभी नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा विलन के बच्चे तो ये ले। और रोपिरो के बच्चे तूने मुझे अरेस्ट कैसे करा? ओ नहीं पुलिस वालों मुझे छोड़ दो। विलन के बच्चे भी यहाँ चल, रोपिरो को तो हमने भेजा था। ओ नहीं रोपिरो के बच्चे, मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से छोड़ दे, वरना मैं पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट कर दूंगा। ओए ओए रोपिरो के बच्चे तू मुझे भी नहीं जानता, मैं तो पुलिस स्टेशन भी तोड़ दूंगा, वरना रोपिरो मुझे छोड़ दे। ओ कहाँ पर है रोपिरो? ओ भाई मैं यहाँ कैसे फंस गया रे भाई? ओ यार मैं भी कैसे छुटूंगा? रोपिरो नहीं, मुझे यहाँ से छोड़ दो पुलिस वालों। हाँ हाँ विलन के बच्चे मैं इधर ही हूँ, और अभी तू जेल में सड़ेगा क्योंकि तूने वाइस टाउन वालों को बहुत परेशान किया है, और वाइस टाउन की पुलिस को भी। और विलन के बच्चे तो रोपिरो को बहुत मारता था, आज तो तू अरेस्ट हो गया, अभी तुझे कौन छुटाएगा? ओए रोपिरो के बच्चे तू मुझे भी नहीं जानता, ये जेल मेरे सामने पिज्जी सी है, मैं इसको तोड़कर भाग जाऊंगा। विलन के बच्चे जेल इतनी कमजोर नहीं, तू इसे तो कभी तोड़ ही नहीं सकता। ओए रोपिरो के बच्चे, जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा सबसे पहले पुलिस स्टेशन ब्लास्ट करूंगा, और रोपिरो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने, आज हमने इस विलन के बच्चे को अरेस्ट कर ही लिया। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है आपके शाउट आउट का, बट उससे पहले आप लोगों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर आता रहूंगा। लेकिन लेकिन गाइस एक सेकंड, अभी मैं टिप्स एंड बोस से तो बोल दूं कि मैंने इस वाइस टाउन के डेंजरस विलन को अरेस्ट ही कर लिया। तो गाइस अभी मैं जल्दी से चलता हूं टिप्स एंड बोस के पास, मतलब कि गाइस आज तो हमने इस विलन को अरेस्ट ही कर लिया, और पता नहीं गाइस वो टिप्स एंड का बच्चा। ओ भाई गाइस टिप्स एंड बोस तो इधर ही आ चुका है। अरे टिप्स एंड बोस आज हमने उस विलन को अरेस्ट ही कर लिया। हां रोपिरो के बच्चे, लेकिन मुझे लग रहा है वो जेल तोड़ के ना बाहर चला जाए, और रोपिरो सबसे पहले वो आकर मुझे ही मारेगा। रुक रोपिरो एक सेकंड, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूं। ओ भाई साहब यार गाइस टिप्स एंड बोस तो अभी भी इस विलन से डरे जा रहा है। अरे टिप्स एंड बोस मैंने उसे अरेस्ट कर लिया, टिप्स एंड बोस वो जेल से भी कभी नहीं छूटेगा, मैंने उसको बहुत तगड़ी पावरफुल वाइस टाउन की जेल में बंद करा है, देखो टिप्स एंड बोस उस जेल के अंदर। अरे यार रोपिरो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है भैया कभी वो जेल तोड़ कर आ जाए। चल रोपिरो मैं तो यहाँ से वाइस टाउन छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे पता है वो सबसे पहले आके मुझे मारेगा। अरे नहीं नहीं टिप्स एंड बोस वो अभी कभी नहीं छूटेगा, वो तो बहुत तगड़ी जेल में बंद पड़ा है। तो गाइस यार टिप्स एंड बोस तो डरता रहेगा। गाइस आप लोगों को शाउट आउट भी देना है अभी, तो फटाफट से मैं अच्छी जगह पर जाकर आप लोगों के शाउट आउट देता हूँ। तो गाइस ये रहे आज के आपके शाउट आउट, प्रियांशु श्रीवास्तव, मोहम्मद आदिल, अंश गुप्ता, मलिक गेमिंग, शिवम कुमार, हमजा, शादाब मलिक एंड जुबेर खान। तो गाइस अभी बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।